अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने भी पर्चा भरा। उसके बाद अलवर में रोड शो भी हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ धर्मेंद्र राठौर भी मौजूद रहे और इस दौरान धर्मेंद्र राठौर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत भी की। अलवर में कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने भी नामांकन कर दिया है और राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमारे साथ बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हैं, जो इन दिनों मुख्यमंत्री के भी खासम खास हैं। सर, सब जगह नामांकन पूरा हो गया है, अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी मैदान में और भाजपा से कौन है, अब क्या पूरा सिनेरियो नज़र आता है आपको? नहीं, सिनेरियो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवार मजबूत उतारे हैं, अभी अलवर में आज आपने देखा कि कितना विशाल जुलूस के रूप में भवन जितेंद्र सिंह जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, हमारे कंपेन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा जी और भवन जितेंद्र सिंह जी, तमाम नेता लोगों ने बहुत उत्साह के साथ पर्चा दाखिल किया। भीड़ में जो जोश था, यानी दो घंटे तक काफिला चला है, जिसमें आपने भी देखा है, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो पहले जब ये एमपी रहे, मंत्री रहे और जो डेवलपमेंट अलवर के लिए किया, वो लोगों के जहन में है। तो विकास यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है और भंवर जितेंद्र सिंह अलवर के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़बरदस्त जोश है लोगों में भंवर साहब के प्रति। यहाँ लाखों वोटों से जीत हो। कांग्रेस का भी मिशन 25 है और आपने देखा कि अलवर का जिस तरह रोड शो था, भीड़ जितनी उत्साह में थी उतनी आह्लादित थे सब नेता। इस तरह जोधपुर का था, बहुत जगह ऐसा हुआ जो इतना बड़ा रोड शो आयोजित हुआ। जोधपुर में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह था। यानी मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चयन किए हैं और ख़ास तौर पर जो हमारी सरकार ने, सरकार बनते ही तत्काल करीब 25 फैसले मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत सरकार ने जो लिए हैं, उसका जनता में बहुत इम्पैक्ट है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे। अलवर में जिस तरह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री आए, तो वो एक संदेश था कांग्रेस की एकजुटता का? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ये बीजेपी वाले खामे खां, ये कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। अलवर में आज नामांकन और रोड शो के दौरान नेताओं की मौजूदगी ने कांग्रेस की एकजुटता तो दिखा दी है, साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ मानते हैं कि 25 फैसले सरकार के बनते ही किए गए, उनका लाभ इस चुनाव में मिलेगा और मिशन 25 पूरा होगा। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज अलवर।